नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 2 साल में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बराबर होने का दावा किया है। उनका कहना है कि 2 साल बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी एक ही कीमत पर बिकनी शुरू हो जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन नाम की संस्थान की तरफ से आयोजित वेबिनार में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की GST महज 5% है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर यह काफी ज्यादा है। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद संजय सिंह ने रविवार को कहा कि यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइबेरियन पक्षी की तरह हैं। जब चुनाव या सियासी मकसद नजर आता है तो वो बिहार आ जाते हैं और जनता उन्हें आईना दिखा देती है, इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं। भाजपा ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। मणिपुर में कांग्रेस अपने विधायकों की तरफ से झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमवार को पार्टी के 2 विधायकों ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए पार्टी ज्वाइन की है। इनमें से एक राजकुमार इमो सिंह है और दूसरे यमथोंग हाउकिप है। बिहार में दोनों भाइयों के बीच के मनमुटाव को लेकर अब भाजपा ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राजद राज परिवार है, जिसके तहत संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राज परिवार है। राज परिवार में शुरू से ही यह परंपरा रही है कि सिंहासन के लिए भाइयों में टकराव होता आया है। देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार सोमवार को राष्ट्रपति भवन में बांटे गए। पद्म पुरस्कार देने का यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में भव्य समारोह आयोजित करके किया गया। इस दौरान सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे राजनेताओं को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिहार में सितंबर की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। फिर भी खनिज संपदा से पूर्ण झारखंड की तुलना में यहां रोजगार के अवसर अधिक हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी की दर 13.9% रही। यह अक्टूबर की तुलना में 3% से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर निशाना और नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि ये हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में ये कहने के अलावा कुछ भी नहीं है और गवाहों से पूछताछ की गई है। बिहार में भगवान सूर्य की उपासना को समर्पित लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ सोमवार से शुरू हो गया है। जिले के लाखों परिवार इस बार विभिन्न इलाकों में स्थित तालाबों और नदी में बने घाटों में अर्घ्य के दौरान मौजूद रहकर अपनी निष्ठा का समर्पण करेंगे। हालांकि कई परिवारों ने सुविधा की दृष्टि से घर की छतों पर कृत्रिम तालाब भी बनवाए हैं, जहाँ वो अर्घ्य देंगे। देश के उप प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से लेकर कई अहम पदों पर रहे लाल कृष्ण आडवाणी का आज 94वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। उनके घर पर नेताओं की बैठक चली, केक कटा और पुरानी यादें ताजा हुई। महापर्व छठ पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था में सहयोग के लिए राज्य के 22 जिलों को अतिरिक्त बल मुहैया करवाया गया। सशस्त्र पुलिस बल के अलावा लाठी पार्टी और होमगार्ड के जवान इसमें शामिल है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस की मदद से की गई है। ज्यादा पुलिस बल प्रमुख छठ घाटों के आसपास तैनात किए जाएंगे। आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया है कि अगर ये सफल कदम था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। प्रियंका ने नोटबंदी को डिजास्टर बताया है। अरब सागर में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने वाले पाकिस्तानी जवानों पर गुजरात पुलिस ने एक्शन लिया है। इस गोलीबारी में महाराष्ट्र के एक मछुआरे की जान चली गई थी, जो और वहीं एक अन्य भी घायल हो गया था। अब गुजरात पुलिस ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 10 जवानों के खिलाफ जान लेने की कोशिश के मामले में FIR दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी भले ही बीते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से हार गई हो, मगर पार्टी का बंगाल पर से फोकस हटा नहीं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खेला होबे पार्ट 2 का प्लान बना लिया है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ता से बंगाल में मुस्तैद रहने को कहा है। दक्षिण भारत का प्रमुख शहर चेन्नई बारिश के कारण पूरी तरह थम गया है। 2 दिन से हो रही बारिश ने स्कूल, कॉलेज और दफ्तर समेत जनजीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। भारत की उत्पादन राजधानी कही जाने वाली चेन्नई रविवार को जलमग्न हो गई। शनिवार रात से हो रही बारिश के बाद हालात ऐसे थे कि कई निचले इलाके के लोगों को बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। स्थानीय मीडिया में ऐसी वीडियोज दिखाए गए हैं जिनमें सड़कों पर पानी से लबालब भरा देखा जा सकता है।
वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में अब पानी भी दूषित होने लगा है। रविवार सुबह ही कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग देखे गए। छठ महापर्व से पहले यमुना में तैर रहे झाग ने श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। हवा पानी के साथ दूषित होने से सरकार के साथ पर्यावरणविद भी चिंतित है। तमाम आशंकाओं से इतर फेस्टिव सीजन में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। बीते 24 घंटे में केवल 11,451 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13,204 लोगों ने कोविड 19 को मात दी है। हालांकि इस दौरान 266 लोगों की कोविड 19 के चलते जान चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर में कोरोना से प्रभावित जिले गिने चुने ही रह गए हैं। देश के 4 राज्य के केवल 18 ऐसे ही जिले हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन बड़ी तेजी के साथ अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बनाने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल उनके पास अनुमानित तौर पर 200 से कम परमाणु हथियार है, जो अगले 7 वर्षों में बढ़कर 700 और साल 2030 तक 1000 हो जाएंगे। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। वहीं विधानसभा सत्र से अलग पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और चन्नी सरकार पर जमकर हमला किया है। सिद्धू चन्नी सरकार पर हमलों के दौरान विपक्ष के नेता नजर आए हैं। एजी और डीजीपी की नियुक्ति पर सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लगभग 1.5 साल बंद रहे सिनेमाघरों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जिस बड़े सहारे की जरूरत थी, अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी वही सहारा साबित हुई है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में धमाकेदार कमाई करके फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। सूर्यवंशी के ओपनिंग वीकेंड के आंकड़ों में दर्शकों के सिनेमाघर तक पहुंचने की रजामंदी भी नजर आती है, जिसमें ट्रेड में भी उत्साह है। टीम इंडिया का अगला मिशन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 घरेलू सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। ये सभी खिलाड़ी मार्च से बायोबबल का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वामपंथी दल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में वामपंथी दलों के लिए यह सबसे बुरा समय है। राजनीतिक रूप से वो इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है। संसद में उनकी संख्या नगण्य है। जिस बंगाल में वामपंथी दल लगभग 34 वर्षों तक सत्ता में रहे थे, वो आज अपने अस्तित्व बचाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चालाकी भरी राजनीतिक चालों से खुद को प्रतिष्ठित गुजरातियों की सूची में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। ये बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक गौरव, भेदभाव और विद्वत्ता में कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि गांधी पटेल के बराबर खुद को खड़ा करने में मोदी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने को लेकर के अभी भी रहस्य की स्थिति बनी हुई है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब अमेरिका से मदद मांगी है। सीबीआई ने अमेरिका से सुशांत सिंह राजपूत के ईमेल और सोशल मीडिया खातों की डिलीट की गई जानकारी हासिल करने में सहयोग मांगा है। सीबीआई इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों को 4 लेन करने के लिए आधारशिला रख दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन बनाने के काम की भी आधारशिला रखी। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की गणना देश के महान संतों में होती है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का महा IPO आज यानी 8 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। 10 नवंबर को ये बंद हो जाएगा। आज से 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी और उसका सबसे ज्यादा पेटीएम को ही फायदा हुआ था। पेटीएम के देश में 33 करोड़ से ज्यादा यूजर है। कंपनी इसके लिए 18,300 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की साली पर हमला बोला है। समीर वानखेड़े की अभिनेत्री पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर पर ड्रग्स के रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई उच्च न्यायालय में मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। इसके बाद नवाब मलिक ने हमले और बढ़ा दिए हैं। चुनावी सीजन में पंजाब के किसानों को पेंशन स्कीम का तोहफा मिल सकता है। सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने पर विचार कर रही है। इसके लिए बुजुर्ग किसानों का सर्वे शुरू करवा दिया गया है ताकि पता चल सके कि 60 साल से अधिक आयु के कितने किसान हैं। सर्वे पूरा होने के बाद खर्च को देखते हुए सरकार इस पर फैसला ले सकती है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने आंध्र प्रदेश में आंगनबाड़ियों को दूध की आपूर्ति करने में असमर्थता जताई है। महासंघ ने कहा है कि सप्लाई तब तक नहीं होगी जब तक आंध्र प्रदेश की तरफ से 130 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जाता और कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि नहीं की जाती। अगर कर्नाटक से दूध की सप्लाई ठप हो जाती है तो संपूर्ण पोषण योजना के तहत 6 साल से कम उम्र के 20 लाख से अधिक बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हो सकते हैं।
स्विट्जरलैंड ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है और ब्रिटेन के भी जल्द ही ऐसा करने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि होगी। विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि विभिन्न देशों के साथ एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों के लिए हम मांग के आधार पर क्षमता बढ़ा रहे हैं। मणिपुर के उखरूल में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। भूकंप उखरूल के 56 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:48 पर आया था। फिलहाल जानमाल को हुए नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, जिससे कुछ दिन पहले भी यहां से भूकंप की खबर आई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हरिनंदन भाई, दीपक गेमिंग, प्रवीण कुमार, मोहम्मद शहबाज, अर्जुन प्रसाद, ओमकार सिंह, सूरज सिंह, संतोष कुमार, अर्जुन प्रसाद, राकेश रोशन, नुनू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कृष्णा दुबे, रामदेव चौधरी, अनवर हुसैन। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।